दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं गीता वाटिका के परिसर की सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस परिसर में जो भी मंदिर है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और इस प्लेस के बारे में यह भी जानकारी देंगे आपको कि कब यह स्थापना हुआ इस मंदिर का और किसने इस मंदिर का स्थापना किया। तो चलिए देखते हैं। राधा कृष्ण भक्ति का अलौकिक केंद्र इसे माना जाता है, गीता वाटिका को, जो कि गोरखपुर में यह मंदिर पड़ता है। गोरखपुर एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और इसकी स्थापना भैया जी हनुमान प्रसाद पौधर के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि यह समाज कल्याण और उनके जीवन को उजागर करे। इनके मुताबिक गीता वाटिका परिसर में लगभग सभी प्रचलित व प्रमुख उपास्य विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई है। और इसके इतिहास के बारे में जाने तो गोरखपुर शहर की गीता वाटिका आज राधा कृष्ण भक्ति का अलौकिक राष्ट्रीय केंद्र बन चुकी है। इसकी स्थापना संत भाई जी हनुमान प्रसाद पौधर ने की है। आज जहां गीता वाटिका है, कभी वह जमीन कोलकाता सेठ तारा चंद धनश्याम दास की थी। पहले इसे गोयंदाका गार्डन के नाम से जाना जाता था। 30 मई 1933 में वह ज़मीन गीता वाटिका के लिए खरीदी गई और 1934 से 35 में वहां भैया जी के रहने के लिए आवास बना दिया गया। अपने आवास के भूतल में 1945 में उन्होंने कीर्तिदा मैया, राधा रानी व ललिता जी की मूर्ति स्थापित की। इसके बाद वहां शुरू हुई भक्ति की धारा आज तक अनवरत रूप से प्रवाहित हो रही है। इस भक्ति की धारा यह 1968 से जारी है। अखंड हरि कीर्तन 12 सितंबर 1965 में, यानी 12 सितंबर 1965 में वहां गिरिराज परिक्रमा शुरू हुई और 1968 में भैया जी ने राधा कृष्ण के दिन अखंड हरि नाम संकीर्तन की शुरुआत की, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। 22 मई 1971 को भाई जी का महाप्रयाण हुआ, यानी इनका देहांत हो गया। उसके पश्चात भैया जी की स्मृति में उनकी पत्नी रामदेवी पौधार ने 13 दिसंबर 1975 को श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर का शिलान्यास किया। मई व जून 1985 में यह बनकर तैयार हो गया था। 21 जून 1985 को मंदिर में देव विग्रहों की स्थापना की गई। गीता वाटिका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी समेत आधा दर्जन से अधिक उत्सव वर्ष भर में मनाए जाते हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। वाटिका में वर्ष भर उत्साह का माहौल बना रहता है और उल्लासपूर्ण प्रवाह बहता रहता है। गीता वाटिका के परिसर में इन मूर्तियों का स्थापना किया गया है। भाई जी हनुमान प्रसाद पौधार के उदार व समन्वयवादी दृष्टिकोण के मुताबिक गीता वाटिका परिसर में लगभग सभी प्रचलित व प्रमुख उपास्य विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई है। परिसर में ये विग्रह प्रतिष्ठित श्री राधा कृष्ण, पार्वती, शंकर, रामचुष्य, लक्ष्मी नारायण, भगवान गणेश, दुर्गा माता, सरस्वती जी, कार्तिकेय, हनुमान जी, सूर्य नारायण आदि। मंदिर में 16 गर्भगृह और छोटे बड़े 35 शिखर हैं। प्रधान शिखर 85 फीट ऊंचा है। मंदिर के परिक्रमा पथ पर प्रसादित
ग्रंथ वेद भागवत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, महापुराण, श्री रामायण, कोरस गीत सुंदर झांकियों के साथ विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण के बारे में जाने तो यह मंदिर गोरखपुर के नगर शैली में हुआ है, यानी मंदिर का निर्माण नगरों के बीचों बीच किया गया है। गीता भाटिया के मंदिर का निर्माण उत्तर भारत की नगर शैली में हुआ है। इसे मंदिर निर्माण के लिए विश्वविख्यात आर्किटेक्चर अहमदाबाद निवासी सीवी सोमपुरा के निर्देशन में तैयार किया गया है। मंदिर के भूतल में एक सभागार है जिसमें समय समय पर विविध आयोजन होते रहते हैं। सभागार के पीछे हनुमान प्रसाद पौधागर प्रायः शोध संस्थान व ग्रंथालय स्थापित है। वाटिका परिसर में एक गौशाला भी है जिसमें गोवंश की विविधवत सेवा की जाती है। यह गौशाला मंदिर के पीछे स्थापित किया गया है। तो
आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।